हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक चैप्टर आपका अलग से है। ये इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आ जाते हैं जो टेलर के, या फिर हेनरी फ्योल के आ जाते हैं। तो आज हम 5-6 प्रिंसिपल पढ़ेंगे फ्योल के, फिर कल पूरा कर लेंगे उनको। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। सिंपल सी बात यह है कि दे आर गाइडलाइंस फॉर एक्शन, है ना। दे आर ब्रॉड मतलब बहुत बड़ी हैं, विस्तृत हैं, एंड जनरल मतलब सामान्य है, कोई विशेष नहीं है। दे आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे बिजनेस के अंदर, या जो हमारा बिहेवियर होगा, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो घर से आपको बोलते हैं कि टाइम से जाना, टाइम से आना, नोटबुक लेके जाओ, कॉपी लेके जाओ, क्लास बंक मत करना, है ना। ये सब बातें जब हम करते हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं। तो ऐसे जब हम मैनेजमेंट करने जा रहे हैं एक फर्म के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, जो कि एक डायरेक्टर की एक्टिविटी है, तो उसमें भी कुछ हमें हेल्पफुल कुछ ऐसी बातें जो हमारे हेल्प के लिए होंगी, तो वो किस में आएंगी, आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। इसलिए दे आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, गाइडलाइंस हैं आपको गाइड करने, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है ना। वो आपको गाइड करती है, किस में गाइड करती है, इन डिसीजन मेकिंग, जो आप डिसीजन लेते हैं, और बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है लोगों के प्रति, उसके लिए आपको गाइड करती है। फटाफट से 2 मिनट में देख लेते हैं कि इसका नेचर क्या है। एग्जाम में कई बार नेचर आ जाता है, लेकिन फिर भी इसको हम छोटे से देखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार नहीं आता, बस एक बार देख के सीधा फिर प्रिंसिपल पे आ जाएंगे हम। दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, पता है हम लोगों को कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं ये हर जगह लागू होते हैं। ये बोलता है फेओल कि जो मेरे प्रिंसिपल हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, दे आर एप्लीकेबल टू द होल यूनिवर्स, यानी कि वो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं। ठीक है, ये ब्रॉड है, इसीलिए ब्रॉड है ना, और जनरल भी है कि बहुत विशेष नहीं है ये, तो ये कहीं भी हम इनको लगा सकते हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल है। सेकंड, जनरल गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस हैं, आपको इनको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, ठीक है, आपकी मर्जी है। यू कैन डिस्कस विद दिस प्रिंसिपल्स, यू कैन कीप इन माइंड दिस प्रिंसिपल्स, और इफ यू वांट टू अवॉइड यू कैन अवॉइड। थर्ड है हमारा, दे आर फॉर्म बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो हमने बात की थी मैनेजमेंट एंड साइंस के अंदर, कि साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये डेवलप हुए हैं किससे, लोगों की प्रैक्टिस से और उनके एक्सपेरिमेंट से। इसी एक्सपेरिमेंट के कारण उन्होंने बोला कि दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा। इसका हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, करके देख चुके हैं, उसके बाद हमने कहा कि ये प्रिंसिपल है, ये डेवलप किए उसके बाद, तो ये इसीलिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बिकॉज दे आर फॉर्म बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। दे आर फ्लेक्सीबल, अगर मैनेजमेंट फ्लेक्सीबल नहीं होगा तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। आप लोग फ्लेक्सीबल नहीं होंगे तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती, है ना। फ्लेक्सीबिलिटी एक लाइफ का पार्ट है। इफ़ यू आर नॉट फ्लेक्सीबल तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी आपको। बोलते हैं, कहावत है कि जो पेड़ झुकते नहीं है वो कट जाते हैं या गिर जाते हैं, है ना। तो वो बात यहाँ पे है कि फ्लेक्सीबिलिटी जरूरी है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, आपको मान्य है, आप मान सकते हैं, आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, लिखा है आगे देखो, कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल है आपके, लगता है कि आपको यार ये पूरा तो काम नहीं आ रहा, आधा काम आ रहा है, यानी इसमें ये तो कह रखा है काम को थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं इसको, तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। और मैंने आपको बताया भी था, मैनेजमेंट इज सिचुएशनल, कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, या कुछ उसमें चेंज करना है। मेनली बिहेवियरल, ये आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, बिहेवियर को गवर्न करते हैं, आपके बिहेवियर से संबंधित है। तो इसलिए क्या है, ये कोई ऐसे नहीं है कि आपको उसके लिए कुछ बहुत अलग से करना पड़ेगा। हाउ यू बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू बिहेव विद द पीपल, हाउ यू बिहेव विद इन डिफरेंट सिचुएशंस, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये प्रिंसिपल आपके एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा इनको अप्लाई करना जरूरी है ना। ह्यूमन बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए ये जो आपके प्रिंसिपल हैं, ये बिहेवियरल इन नेचर है, उनको बिहेवियर को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं ये। फिर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कारण और परिणाम क्या होगा, मतलब ये बता दें कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मतलब आपको सीधा बता देंगे कि इफ सम प्रॉब्लम इज देयर तो आपको ये करना है, और आप ये करेंगे तो इसका ये इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसी कारण से इनको हम कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें पता है कि इनका परिणाम क्या आने वाला है। बड़े क्लास ले रहे हैं आप, चले जाओ अंदर। और अब लास्ट पॉइंट है हमारा कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या है, ये डिपेंड करते हैं किसी भी थिंग के ऊपर कि क्या है। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है, देयर मे बी सिचुएशंस विच आर एडवर्स टू यू, तो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन यू विल यूज द प्रिंसिपल। सारे प्रिंसिपल यूज नहीं करने, कोई एक करना है, कोई दो करना है,
ठीक है, तो दे आर कंटिजेंट इन नेचर, आपको चेंज करने हैं उनको। ये एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट ये देखेंगे यहाँ पर हम, दे आर कैप्सूल्स, है ना। कैप्सूल का मतलब क्या होता है, दवा बीमार हो गए, यहाँ पर दवाई खा ली, एक कैप्सूल खा लिया, तो ऐसे ही क्या है आपकी प्रिंसिपल है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप इनको एज अ कैप्सूल यूज कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को ये क्योर कर देंगे 90%, 100% तो नहीं करते। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल का नेचर, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनका नेचर। अब थोड़ा आगे चलेंगे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप सबसे पहले आपको मैं बताया था कल कि जो फादर ऑफ मैनेजमेंट है वो कौन है आपका, हेनरी फ्योल। तो ये हेनरी फ्योल जो है इन्होंने दी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले। इनका बर्थ हुआ था 1841 में और डेथ हो गई 1925 में, यानी कि 200 साल पहले देखा जाए मोटा मोटा इनका बर्थ हुआ था हेनरी फ्योल का, ठीक है। और देखिए क्या थे वो, अभी आप देखेंगे क्या थे वो, ही इज अ माइनिंग इंजीनियर। ये फ्योल और टेलर दोनों इंजीनियर थे, एक माइनर था, एक माइनिंग इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये दोनों ही माइनिंग इंजीनियर हैं। और आपको पता होगा आज से 200 साल पहले कॉमर्स कोई फील्ड नहीं थी, ओनली टू फील्ड्स वर देयर, इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड साइंस, ठीक है। तो ये हेनरी फ्योल आए, 1841 में इनका बर्थ हुआ, और क्या हुआ, ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर और वो एक माइनिंग कंपनी में काम कर रहे थे, वो लिखा भी हुआ है आगे, ही वॉज वर्किंग इन अ माइनिंग कंपनी इन 1860 एट इंजीनियर, ठीक है। अब क्या हुआ, उस कंपनी में लॉस होने शुरू हो गए, उस कंपनी में क्या हुआ, लॉस हो रहे थे, तो लॉस को रोकने के लिए इनको बना दिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर, कि ये एक अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छा काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो एक काम करते हैं इनको हम मैनेजिंग डायरेक्टर बना देते हैं, प्रमोशन कर दिया इनका ये, ठीक है। आगे तो लिखा भी हुआ है, व्हेन द कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, उस समय कंपनी डूबने जा रही थी, उसका नुकसान होने वाला था, और ये थे इंजीनियर। अब इन्होंने क्या किया, ही डेवलप्ड हिज स्किल्स, हिज पर्सनैलिटी, ही यूज हिज एक्सपीरियंस एज अ इंडिविजुअल। उसने क्या देखा कि अब मेरी जो पर्सनैलिटी है, अब मैं इसमें मेरी इंजीनियरिंग काम आने वाली नहीं है, हालांकि माइंड का साइंटिस्ट वाला था, पर इन्होंने देखा कि जो मेरी इंजीनियरिंग है यहाँ पे काम नहीं आएगी, यहाँ पर मेरी पर्सनैलिटी, यहाँ पर मेरा बिहेवियर, यहाँ मेरी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ये काम आने वाली है, मुझे लोगों से काम कराना है, मशीनों से काम नहीं करवाना। इंजीनियर यूज टू डील विद द मशीनरी, बट नाउ ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ही हैज टू मैनेज। और इससे पहले कोई मैनेजमेंट की थ्योरी थी नहीं, मैनेजमेंट नाम का कोई वर्ड ही नहीं था,